हमने पोलराइजेशन का कंसेप्ट लिया था, आज हम ब्रिस्टल लॉ ले, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दो, इजी है, बहुत इजी है, चैप्टर भी इजी है, अच्छे से प्रिपेयर करोगे, धीरे धीरे प्रिपेयर करोगे तो आराम से हो जाएगा, इजी है। फिजिक्स सबसे इजी चैप्टर है, कंसेप्ट है फिजिक्स के, अच्छे से ध्यान दोगे तो अच्छे जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। सब बोलते हैं बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, अच्छा आप करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलो ब्रिस्टल लॉ, अब ये ब्रिस्टल लॉ कैसा है वो देखेंगे। पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में चलेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जाएंगे। हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा था, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू, और साइन आई अपॉन साइन आर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट इज सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। उसमें से हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, दैट इज n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको ले ले साइन आई अपॉन साइन आर, हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा n1 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 साइन आर, ठीक है। हमें इसी कंसेप्ट को लेके इसमें यूज करना है ब्रिस्टल लॉ। अब इसमें देखो ये मैंने एक प्लेन सरफेस लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट किए हैं। कौन से लाइट इंसिडेंट किए हैं? अनपोलराइज, ये मैंने डॉट से बताए हुए हैं, डॉट और एरो से, ये कौन से हुए? अनपोलराइज लाइट। यहाँ पे ये मेरा नॉर्मल है और ये जिस एंगल से इंसिडेंट कर रहा है उस एंगल को हम नाम दे रहे हैं, दैट इज थीटा बी। क्या नाम दे रहे हैं? थीटा बी। व्हाट इज थीटा बी? थीटा बी इज द ब्रिस्टल एंगल, शॉर्टकट में लिख रहे हूं, या फिर हम इसे बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। अब ये थीटा बी से यहाँ पे इंसिडेंट करेगा और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने के कारण ये थोड़ा सा ऐसे जाके यहाँ पे बेंड हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्ट होगा तो ये कितना एंगल से होगा? दैट इज थीटा आर, ठीक है। अब हमने क्या बोला है कि ये अनपोलराइज लाइट यहाँ पे जब इंसिडेंट होंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता है, यानी नीचे रिफ्रैक्शन पार्शियली रिफ्रैक्ट, ये जो रे हुआ ये कौन सा रे हुआ? रिफ्रैक्टेड रे, और ये यहां से इधर जो जा रहा है ये कौन सा हुआ? दैट इज रिफ्लेक्टेड। कौन सा हुआ? रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड हुआ, ये कौन सा हुआ? रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अब हम यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो हम बता रहे हैं बिना डॉट वाले ये कौन से हुए? हमारे प्लेन पोलराइज, यहाँ पे हमने डॉट से डिनोट किया हुआ है। ये जो दो एरो डिनोट कर रहा है, दो एरो से जो रे डिनोट हो रहा है, ये जो है ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये प्लेन ऑफ पेपर को कैसे जाते हैं? पैरेलल। कैसे जाते हैं? पैरेलल। और ये जो डॉट है ये प्लेन ऑफ पेपर को, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर। प्लेन ऑफ पेपर को कैसे हो रहा है? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसमें देखो ये रिफ्रैक्टेड है और ये कैसा है? रिफ्लेक्टेड है। ये जो है ये पैरेलल है और ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेन ऑफ पेपर को कैसे जा रहा है? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसमें थीटा आर इज द रिफ्रैक्टेड एंगल एंड थीटा बी इज द इंसिडेंट एंगल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रिस्टल एंगल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोलराइजिंग एंगल। हम ऐसा इंसिडेंट करेंगे ये अनपोलराइज लाइट तो ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे में का जो एंगल बनेगा वो कितने का बनना चाहिए हमको? दैट इज ऑफ 90 डिग्री। कितने का बनना चाहिए? 90 डिग्री का। अब इसमें से देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, ये मुझे फाइंड आउट करना है थीटा आर की वैल्यू फाइंड आउट, ये तो ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल कैसे होता है? सेम होता है। ये अगर थीटा बी है तो ये भी कितना होगा? थीटा बी होगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये पूरा 180 का फॉर्म करता है, मुझे थीटा आर की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालोगे आप? दिस एंगल थीटा बी प्लस ये 90 प्लस ये थीटा आर इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। ये 90 माइनस हो गया तो 90 बचता है, दैट इज थीटा बी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 90। तो
तो थीटा आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 माइनस थीटा बी। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम क्या बोलते हैं, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर। वॉट इज आई, आई इज द इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे इंसिडेंट एंगल हम क्या लेंगे, दैट इज एन वन साइन थीटा बी इज इक्वल टू एन टू साइन आर। आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है हमारा, थीटा आर। ठीक है, दैट इज एन वन साइन थीटा बी इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा आर, और थीटा आर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बी। थीटा आर कितना होगा, 90 माइनस थीटा बी। तो ये एन वन साइन थीटा बी इज इक्वल टू एन टू साइन, 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब ये इसके अपॉन में लेके आओ, इसको इसके अपॉन में लाओ, तो साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी क्या होता है, टेन थीटा, दैट इज टेन थीटा बी इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। तो थीटा बी इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला टेन इनवर्स ऑफ एन टू अपॉन एन वन। ठीक है, और एन टू अपॉन एन वन दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें से हम इसका एक लॉ बना सकते हैं, ब्रिस्टल लॉ का, कि टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल किसके बराबर हो जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, दैट इज द ब्रिस्टल लॉ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।